को हाथ लगाने की दिखनी ना नई गाड़ी है। तेरे बाप ने भी देखे कभी ऐसी गाड़ी? मेरे तो दिए टूट रहे थे इसलिए मैंने आपकी गाड़ी को रोका। इन 10-20 रुपए के दियो के चक्कर में तू मेरी गाड़ी को हाथ लगा रही थी। अगर मेरी गाड़ी पे स्क्रैच आ जाता तो? दिख नहीं रहा मेरी नई गाड़ी है। अरे मैडम आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरे कहने का तो मतलब था कि आपकी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया है, दिए टूटे हैं, अब आप ही बताओ कि इसकी भरपाई कौन करेगा? अबे ओ मेरी गलती बताने की जरूरत नहीं है और गलती तेरी है। अगर तू रोड पे ये दियो की दुकान लगाएगी तो गाड़ी तो चढ़ेगी ना उसपे। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आपकी वजह से ये जो नुकसान हुआ है बस इसकी भरपाई कर दो। मेरी बात कान खोल के सुन, तुझे ना कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे और ज्यादा बकवास करी ना मेरे सामने तो कंप्लेंट करके ना दिए की दुकान है ना तेरी बाहर फिकवा दूंगी। आई बात समझ में? अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये तो हम गरीबों पे अत्याचार करने वाली बात हो गई। मैंने तो बस अपने टूटे दियो के पैसे मांगे जो कि आपकी गाड़ी की वजह से टूटे, और थोड़े ना मैं कुछ बोल रही हूँ। तू ना ऐसे नहीं मानेगी, रुक तेरे बच्चों ये दिए भी तोड़ती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं मैम साहब मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, आप बस ये गाड़ी हटा लो मेरे दियो के ऊपर से बस। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं हटेगी यहाँ से, अपना काम कर चुपचाप से। भाई जल्दी ट्रे गया, शीशा तो तोड़ना पड़ेगा इसका। तू हट, मैं तोड़ता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? चोरी करने की कोशिश कर रहे हो ना गाड़ी को? ये लोग चुरा क्या रहे थे वैसे गाड़ी से? अरे यार बैग तो मैं गाड़ी में ही भूल गई। अच्छा मुझसे तेरे दिए टूट गए इसलिए तू मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ रही है? अरे नहीं नहीं मेम साहब आप बहुत गलत समझ रहे हो। मैं चुप कर। तू जैसी लड़की को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, तुझे पता था मेरी गाड़ी में बैग रह गया इसलिए तू उसमें चोरी करने जा रही थी। तू है ना ऐसे नहीं मानेगी, रुक मैं ना पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब। मैडम आपकी गाड़ी तो ठीक है ना? ओ हेलो, ये इसकी गाड़ी नहीं ये मेरी गाड़ी है, ये तो यहाँ पे खड़ी होकर चोरी कर रही थी। चोर है ये चोर। अरे नहीं नहीं साहब मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी यहाँ साइड में ना दिए की दुकान है, मैंने तो कुछ आवाज सुनी, मैंने देखा कि दो आदमी आके गाड़ी में से कुछ चुराने की कोशिश कर रहे थे। इनको ऐसा लगा कि इन्होंने मेरे दिए तोड़े थे तो मैं बदला लेने के लिए इनकी गाड़ी में से चोरी करने की कोशिश कर रही थी। देखो तो अपने आप को बचाने के लिए कैसे झूठ बोल रही है। मैडम वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही है। मैंने खुद उन चोरों को ना अपनी आंखों से देखा था, मैं उनको ही पकड़ने गया था लेकिन वो साले हाथ से निकल गए मेरे। मैडम आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इनका नुकसान करते हुए? कितने दिए तोड़ दिए आपने उनके? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि कितनी मेहनत से वो दिए बना के लेके आई है और उनको बेचने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है वो दुकान लगा के अपनी, और आपने एक मिनट में उनके दिए तोड़ दिए? और इनका बड़प्पन देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना इन्होंने आपकी गाड़ी चोरी होने से बचाई। भले ही आप ना पैसे में बहुत ज्यादा अमीर हो गए लेकिन दिल से ना वो आपसे बहुत ज्यादा अमीर है। भले ही आप जैसे लोग ना दिवाली पे अपने घर में दिया जला के उजाला करते होंगे लेकिन आज भी आप लोगों के मन में ना अंधेरा भरा हुआ है। जो आपने गलती की है ना उसको सुधारिए और इनका जो नुकसान हुआ है उसके पैसे दीजिए। सॉरी मैंने आपके साथ इतना गलत किया और फिर भी आपने मेरी गाड़ी चोरी होने से बचाई। एक मिनट। ये लो आपका जो नुकसान हुआ था उसके पैसे, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। एक मिनट मैम साहब। ये लो मैम साहब मेरी तरफ से एक दिया, इस दिवाली पर सिर्फ अपने घर के बाहर का अंधेरा मिटाने के लिए, घर के बाहर दिए नहीं बल्कि अपने मन का अंधेरा मिटाने के लिए अपने मन के अंदर भी रोशनी करना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैं अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लेती हूँ।